कहते हैं जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम में एक महिला प्रताड़ना का शिकार हो रही है। जी हां, यह हम नहीं कह रहे बल्कि गुरुग्राम के सेक्टर 37 सी स्थित एक सोसाइटी में रहने वाली महिला ने सोसाइटी की आरडब्ल्यूए के 3 प्रतिनिधियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता की माने तो वह सोसाइटी में अपने परिवार के साथ पिछले 9 साल से रह रही है। उसके पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं। पीड़िता की माने तो सोसाइटी के 3 पदाधिकारी उसे काफी परेशान कर रहे हैं। आप क्या कुछ परेशानी है, कुछ आरोप भी आपने लगाए हैं, शिकायत भी दी है, उसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताइए। मैं तक्षशिला की निवासी हूँ, 2015 से रह रही हूँ और मैं यहाँ की एक ओनर रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ के RWA मेंबर्स के रिगार्डिंग मैंने अपनी शिकायत दर्ज करी है, खास करके विकास बंसल जी, SK पुरी जी और तिलक राज नरूला जी जो यहीं के निवासी हैं और हमारे RWA के मेंबर हैं। ये इन्होंने मुझे हर तरीके से, बहुत तरीके से परेशान कर रखा है। इन्होंने मुझे मेंटली हरास कर रखा है, सेक्सुअली हरास कर रखा है और बहुत अश्लील बातें करते हैं हमारे साथ। मैं छोटा मोटा बिजनेस करती हूँ प्रॉपर्टी का, मेरे हस्बैंड अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आते जाते रहते हैं। अभी मैं फ़िलहाल अपने बच्चों के साथ अकेले रहती हूँ। जहाँ पे भी अब ये RWA के मेंबर है तो इनको पता होता है कि ये कैमरेज कहाँ कहाँ लगे होते हैं, तो जब भी इनको मौका लगता है, जहाँ पे भी मुझे ये अकेला देखते हैं, मैं किसी क्लाइंट के साथ हूँ उसके बाद मैं अगर अकेली हूँ, उस टाइम पे ये मेरे साथ छेड़खानी करते हैं और बहुत अश्लील बातें करते हैं। इन्होंने मेरे ऊपर इलीगल डिमांड्स लगा रखे हैं जिसको करके ये मुझे सेक्सुअली हरास करना चाहते हैं। हर समय कहते हैं कि आप हमारी सेवा दे दो, मैं आपका मेंबरशिप जो है, इन्होंने हमारी मेंबरशिप कैंसिल कर रखी है, कहते हैं मैं आपकी मेंबरशिप पूरी कर दूंगा और मैं आपका जो भी ड्यूज़ है वो मैं हटा दूंगा। तो गलत गलत तरीके से मुझे टच करते हैं, कभी बेसमेंट की सीढ़ियों पे मैं जा रही हूँ तो कभी वहाँ पे, कभी इधर, जहाँ पे भी इनको मौका मिलता है उस तरीके से ये मुझे हरास करना चाहते हैं। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्होंने हमारे साथ किया है, मैं उसका अभी इतना खुलासा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने हमें मेंटली हरास कर रहे हैं। इस वजह से कारण बताइए, क्या कारण है कि आपको इतना परेशान किया जा रहा है? सर, मेरे हस्बैंड एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और वो विकास बंसल के अगेंस्ट कभी उन्होंने, मतलब हम एक बहुत अच्छे निवासी हैं और वो विकास बंसल के अगेंस्ट कभी खड़े हुए थे, तो उन्होंने चाहा कि हमें यहाँ से बिल्कुल हटा दें। तो उनका मेन टारगेट हम फैमिली, कभी वो तो हमारी बिजली को काट के हमें परेशान करते हैं, कभी हमारे बच्चों को पार्क में जो गार्ड्स होते हैं वो रोक के पूछने लगते हैं कि आप कौन से टावर से हो, क्यों हो, ये सब पूछने का क्या मतलब है बच्चों से। क्या अभी पुलिस में आपने शिकायत दी है, क्या कुछ आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया गया? पुलिस की तरफ से तो अभी मुझे ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन मैंने अपनी जो भी है शिकायतें जो है मुझे, जो मुझे ये मेंटली और शारीरिक रूप से जो हरासमेंट दे रहे हैं, मैंने उसके लिए करी है। क्या चाहती हैं प्रशासन से? प्रशासन से चाहती हूँ कि इनको बिल्कुल ऐसे गंदे लोगों को इस सिस्टम से हटा देना चाहिए, अच्छे लोगों को सिस्टम में लेके आए और मुझे न्याय मिलना चाहिए।